प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच चुके हैं। दो दिवसीय उनका दौरा केदारनाथ और बद्रीनाथ का तमाम जो कार्यक्रम है वो उनके लाइनअप है और उनमें सबसे ज्यादा विकास योजनाओं की जो सौगात है वो उत्तराखंड को देना, या तो लोकार्पण और शिलान्यास करना, या फिर आगे क्या योजना रखी जाए इसके लिए अधिकारियों के साथ बातचीत करना, और जो विकास योजनाएं इस वक्त चल रही हैं उन्हें किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है इस बात पर ध्यान देना, उस पर बातचीत करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी बार बद्रीनाथ और केदारनाथ के दौरे पर हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हवाई उड़ान भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। बर्फबारी का नजारा भी केदारनाथ में देखा जा सकता है, कैसे स्नोफॉल भी हुआ है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा पूरे जो केदार मंदिर है, बाबा केदार का दरबार है, उसको फूलों के साथ सजाया गया है। कई कुंटल फूल लगाए गए हैं इस पूरे दरबार की साज सज्जा में। पीएम का दौरा हर बार ही कुछ अलग होता है, कुछ खास होता है। उनके इस दौरे के लिए तैयारियां भी जबरदस्त की जाती हैं। तो प्रधानमंत्री, बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ बद्रीनाथ दौरा, ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर। किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो केदारनाथ पहुंच चुके हैं। बर्फीले पहाड़ों के बीच में बाबा केदार, जिनके दर्शन और पूजन हर आम इंसान के लिए बेहद खास हो जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का जब दौरा उत्तराखंड का होता है और खास तौर पे वो बाबा केदार के दर्शन करते हैं, तो वहाँ की छटा ही देखने लायक होती है। कल जब केदारनाथ बद्रीनाथ में जो वहाँ पर पुजारी मौजूद हैं उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि पीएम जिस भी विशेष प्रकार की पूजा को करना चाहेंगे बाबा केदार की, उसके लिए वो तैयार हैं। रुद्राभिषेक करना चाहेंगे तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, जैसा कि हर बार लगभग पीएम नरेंद्र मोदी करते भी हैं। तो वो खास घड़ी आ गई जब पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर उनका उतर चुका है, वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, और तमाम जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास, यानी कि कई करोड़ की योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को मिलेगी पीएम नरेंद्र मोदी के इस दो दिवसीय दौरे पे। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरे को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उत्तराखंड के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा पीएम का आज का ये दौरा, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि जो विकास योजनाएं हैं उनको एक तीव्र गति मिलेगी। उत्तराखंड दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है, इस तरह से सीमा की सुरक्षा को लेकर के भी, आसपास की जो सड़कें हैं उनको चौड़ा किया जाए, उनको साफ किया जाए, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और साथ ही जिस तरह से उत्तराखंड पर्यटन का एक बड़ा हब बन सकता है उसके लिए तैयारी की जाए। ये तस्वीरें जब सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, ये तस्वीरें, खास तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे हैं। ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके दो दिवसीय दौरे का इंतजार था कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों स्वागत कर रहे हैं, हाथ जोड़कर दोनों अभिवादन कर रहे हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले तक दिखा रहे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो उतरा था। करीब 4,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, और इस मौके पर जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री धामी दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे हैं। पीएम का करीब 8:30 बजे के आसपास केदारनाथ में दर्शन और पूजन का कार्यक्रम है। इसके बाद 9 बजे वो केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम का 6 साल में ये अलग अलग वक्त पे उनका दौरा रहा है उनके पूरे कार्यकाल के दौरान। यहाँ पर प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन भी करेंगे, फिर वो मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती पथ पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे।
केदारनाथ के बाद पीएम बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे मंदिर में पूजा करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज सीपी उत्तराखंड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव तस्वीरें, वो पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से उन्होंने उड़ान भरी थी और वो पहुंच चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो मौजूद रहे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज सीपी उत्तराखंड पर ही। बैरिकेटिंग लगाई गई है, तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए और बाबा केदार के धाम का जो प्रमुख द्वार है उसको भी विशेष रूप से सजाया गया है। कई कुंतल गेंदे के फूल लगे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह नारंगी रंग के और पीले रंग के गेंदे के फूलों से द्वार को सजाया गया है। साथ ही अशोक की हरी पत्तियां उनका इस्तेमाल किया गया है इस द्वार की खास साज सज्जा में। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद माणा गांव में जो जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, दोपहर के वक्त कार्यक्रम है, उसे भी पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन के जरिए अपने उस कार्यक्रम को भी संपन्न करेंगे। देवभूमि से खास लगाव है पीएम नरेंद्र मोदी को। तस्वीरें, हेलीकॉप्टर लैंड किया था, ये तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वो केदारनाथ। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमित सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ तो पहुंच चुके हैं, अब आगे का क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब से 7:30 बजे के आसपास देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद से फिर वहां केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं और अब वर्तमान समय में केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। लेकिन जो पहला था, सबसे पहला जो उनका रहना है मोदी को रहना की बाबा केदार के वह दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर आदिगुरु शंकराचार्य को प्रणाम करने के साथ ही जो वहां पर मजदूर काम करते हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जो वहां की स्थल निरीक्षण यानी की जो कार्य चल रहे हैं, पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे सरस्वती घाट पर हो रहे हो, ये तमाम जो द्वितीय चरण के कार्य चल रहे हैं उन सभी कार्यों का निरीक्षण करेंगे और वहां की जानकारी लेंगे कि आखिर कितना समय और लगने वाला है और किस रोड में कुछ जो है क्या कुछ और उसमें बदलाव करने की जरूरत है, क्या कुछ को और पैसे बढ़ाने की जरूरत है। इन तमाम योजनाओं का जो है वह निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही फिर सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए एक रोपवे का निर्माण किया जाना है जिसका फिर वह शुभारंभ भी करेंगे। तो कुल मिलाकर इनका फिलहाल केदारनाथ धाम में यह एक बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद फिर वह बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में जो है वह दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर वो नीति माना जाएंगे, नीति माना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लिहाजा इन तमाम कार्यक्रमों के बाद जो है रात्रि विश्राम बद्रीनाथ धाम में ही करेंगे और उसके बाद अगले दिन यानी कल सुबह ही जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल। रोहित, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, केदारनाथ में अब वो पहुंच चुके हैं, करीब कितने घंटे उनका रुकने का केदारनाथ का कार्यक्रम है और फिर करीब कितने बजे वो बद्रीनाथ के लिए वापस रवाना होंगे? बिल्कुल, देखिए जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके अनुसार करीब 2 से 2.5 घंटा से 3 घंटे तक हो सकता है कि वहां पर रुकेंगे, खासकर केदारनाथ धाम में, क्योंकि वहां पर जो फिलहाल जो निर्माण कार्य है उसमें काफी लंबा समय लगने वाला है। क्योंकि हमेशा से देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो उनको पूजा करने में थोड़ा वक्त भी लगता है क्योंकि पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं वो और पूजा पाठ करने के बाद फिर वो जो है बाबा केदार के पूरा चक्कर लगाते हैं, इसके बाद ही फिर वो अपना आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ऐसे में थोड़ा लंबा समय लगता है, 3 घंटे का वक्त रखा गया है और 3 घंटे वहां पर रुकेंगे। 3 घंटे के दौरान पूजा बल्कि तमाम जो कार्य है, जो पर्यटन वहां पर काम चल रहे हैं उन सभी कार्यों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद जो है करीब वह 11:30 बजे के आसपास जो है वह बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां दर्शन करेंगे। तो फिलहाल जो कार्यक्रम रखा गया ओवरऑल करीब ये कह सकते कि 8-3 घंटे के आसपास का कार्यक्रम रहेगा केदारनाथ धाम में, उसके बाद बद्रीनाथ रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है ये रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के लिए। सुरक्षा की दृष्टि से भी बात करें, बैरिकेटिंग और तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वो हम देख पा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के क्या खास किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से? बिल्कुल, देखिए जब पीएम कहीं पहुंचते तो उससे पहले सिक्योरिटी जो उनकी टीम होती है वह पूरी वहां पहले पहुंच जाती है और वहां उस लिहाज से यानी कि पीएम के दौरे के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई जाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही इसको पूरी तरह से यानी केदारनाथ धाम हो बद्रीनाथ धाम हो उनको छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि इससे एक अलग चीज यह भी जुड़ा है कि जब जो पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचने केदारनाथ बद्रीनाथ तो ऐसे में दोनों ही धामों का श्रृंगार किया जा रहा है,
केदारनाथ धाम को करीब 12 कुंडल फूल से श्रृंगार का किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम पहले कर लिए गए थे छावनी में तब्दील करने के साथ ही जो खासकर बैरिकेडिंग लगाए गए वह लगाए गए, क्योंकि इस समय वर्तमान समय की बात करें तो यात्रियों की संख्या काफी अधिक केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में है, क्योंकि अब 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम का पार बंद हो जाएंगे और उससे पहले पीएम के दौरा वहां पर पहुंचना पीएम का, तो इसके लिए जो श्रद्धालु हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि जब वीवीआईपी पहुंचते हैं तो वहां उस रास्ते को खाली कराना होता है। इसके अलावा जो खासकर हवाई जोन होते हैं उनको भी जीरो जोन कर दिया जाएगा, तो कुछ ज्यादा व्यवस्थाएं पहले मुकम्मल कर ली जाएंगी। कई दौर की बैठकें भी अधिकारियों की हो चुकी हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, और इसके अलावा जब जो नीति माणा क्षेत्र जहां पर पीएम जो है जनसभा को संबोधित करेंगे उस जगह पर भी जो पहले से तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं उस एरिया को पूरी तरह से जीरो जोन कर दिया गया है और वहां पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको मुकम्मल करा लिया गया है। लिहाजा कह सकते हैं कि इन दोनों समय जो यात्रा है उसमें करीब 6 से 7 घंटे यानी कि इसमें जो पूरा कार्यक्रम होने वाला है ये कई घंटों का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन जो पीएम है वह पूरा करीब 24 घंटे के आसपास जो है उत्तराखंड पर ही रहेंगे। जी बिल्कुल, कुछ मायनों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण दौरा है और पीएम का केदार धाम से खास लगाव भी है। वक्त वक्त पे वो ये बात जाहिर भी करते रहे हैं। आज जब वो केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो पूजा के लिए क्या विशेष होगा? कल जिन पुजारियों से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि अगर वो विशेष रुद्राभिषेक पूजा करेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, तो पूजा में क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, पीएम जब भी पहुंचते हैं केदारनाथ तो उनका मुख्य रूप से यही रहता है कि बार रुद्राभिषेक करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो अगर छठा दौरा उनका है पीएम का, और इस छठे दौरे के दौरान भी वह रुद्राभिषेक करने की संभावना काफी प्रबल है, क्योंकि शुरू से जब भी वह आते रहे हैं रुद्राभिषेक करते रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इससे पहले जब कपाट खोले जाते हैं, खासकर पिछले 2 सीजन से जब जब धामों के कपाट खोले गए चारों धामों में पीएम के नाम से पूजा की गई है, और यह शुरू से ही रहा है चारों धामों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूजा किया जाना कहीं ना कहीं बड़ा संदेश जाता है। और इसके अतिरिक्त अब जिस तरह से देखें तो आगामी 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन 2 राज्यों में चुनाव होने के मद्देनजर भी पीएम का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ऐसे हम कह दें कि फिलहाल आध्यात्म को लेकर के और हिंदुत्व को जगाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि शुरू से बीजेपी इस बात को कोशिश करती है, और यह भी माना जाता है कि जो बाबा केदार के दर पर पहुंचता है और वह जो भी मुराद मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती है, और इससे पहले भी जो भी चुनाव की हम बात करें चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, उस दौरान पीएम को जरूर वहां पर बाबा केदार के दर पर पहुंचते हैं, और उस दौरान पहुंचने के दौरान जो उसका रिजल्ट रहा है वो काफी आश्चर्यजनक करने वाला रहा है, क्योंकि हम तो अभी 2022 में भी देखें तो इसका जो नतीजे सामने आए थे काफी चौंकाने वाले थे। इससे पहले भी जब चुनाव हुए 2019 में लोकसभा के, वह भी नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। कुल मिलाकर दौरा काफी महत्वपूर्ण है और इसे अब चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल रोहित, प्रधानमंत्री का जब भी केदार का दौरा होता है काफी खास तो रहता ही है, तैयारियां भी विशेष की जाती हैं। हालांकि जैसा आपने कहा कि इस वक्त बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं क्योंकि कपाट जल्द बंद होने वाले हैं, ऐसे में क्या जब प्रधानमंत्री अपने उस दौरे पर होते हैं उस 2.5 घंटों के दौरान जो आम श्रद्धालु हैं उनके दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जब पीएम वहां होते मौजूद होते खासकर जब केदारनाथ धाम परिसर में मौजूद होंगे तो उस दौरान श्रद्धालुओं की अनुमति को फिलहाल रोक दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज तमाम व्यवस्थाएं होती है और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया जाता है ताकि वहां पर जो यात्री या फिर जो पर्यटक श्रद्धालु वहां ना पहुंच सके, और सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी भी होती है, क्योंकि उससे पहले भी जो यात्री है वहां अंदर जाएंगे उनको पूरी तरह चेकिंग किया जाएगा, उसके बाद ही अंदर भेजा जाता है, और यह प्रक्रिया शुरू से शुरू कर दी गई है, क्योंकि 4 दिन पहले की तमाम टीमें खासकर पीएम सुरक्षा जो टीमें होती हैं वह वहां पर पहुंच चुकी थी और वह अपने हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करती है, क्योंकि जिला प्रशासन के स्तर पर या फिर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं होती है, लेकिन जो पीएम की सुरक्षा टीम होती है वह अपने हिसाब से तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करती है और उसी के अनुसार सारा सुरक्षा व्यवस्था वहां पर होता है। तो ऐसे में सुरक्षा टीम ने पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उस दौरान श्रद्धालु कोई भी वहां मौजूद नहीं रहेंगे, और उससे पहले भी जो यात्रा यानी कि दर्शन करने जा रहे हैं उन सबकी चेकिंग की जाएगी, यानी कि सुरक्षा के इंतजाम बात कर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और इस लिहाज से भी देखें तो सभी जो पर्यटक वहां श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर रहे थे उनको अब फिलहाल कुछ देर के लिए दर्शन करने के लिए रोक दिया गया, जब तक पीएम वहां मौजूद रहेंगे खासकर परिसर केदारनाथ धाम के परिसर मौजूद रहेंगे तब तक वहां किसी भी श्रद्धालु को अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल वह दूर दूर से जिस तरह से बैरिकेडिंग बनाया जाता है, हालांकि जब जो श्रद्धालु वहां मौजूद जरूर होते हैं परिसर के चारों तरफ, लेकिन अंदर परिसर के घुसनाओं को अनुमति नहीं दी जाती है, और जब पीएम दर्शन कर लेते हैं पीएम फिर वहां से रवाना हो जाते हैं उसके बाद फिर जो है जनता को दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। जी बिल्कुल,
रोहित, जिस तरह हमने तस्वीरें देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भर के वो केदारनाथ आ गए और एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और जो राज्यपाल है गुरमीत, उन्होंने उनका स्वागत किया, क्या पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे प्रधानमंत्री के दौरे के समय उनके साथ रहेंगे या उनके जो अलग कार्य हैं वो रहेंगे? बिल्कुल देखिए, अभी तक यह कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी चर्चा चल रही थी कि वह भी जो है बाबा केदारनाथ करने जाएंगे पीएम के साथ, लेकिन अब इसके दौरे का स्पष्ट नहीं। लेकिन फिलहाल ये कह देते हैं कि जो कार्यक्रम पहले से तय किए गए थे उस कार्यक्रम मुख्यमंत्री जरूर वहां मौजूद होंगे। और जिस तरह की स्थिति आज सुबह सुबह जब पीएम पहुंचे हैं 7:30 बजे के आसपास, पीएम खुद जब देहरादून के जलगढ़ पर पहुंचे हैं उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम लोग वहां मौजूद नजर आए हैं। और मुख्य रूप से कोशिश यही किया गया है कि जो तमाम व्यवस्थाएं पहले से की गई थी वो आप व्यवस्थाएं रहे, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रवाना होंगे और उसका जो है लाइव फीड भी जारी किया जाएगा, यानी कि जो पीएम वहां मौजूद होंगे तो उसके बाद उसका पूरा लाइव फीड भी जारी किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वह भी देख पाए कि पीएम किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और शुरू से यह परंपरा रही, क्योंकि इससे पहले कभी भी लाइव फीड वहां से लाइव नहीं किया गया, लेकिन पीएम मोदी जब इससे पहले आए थे उस दौरान भी पूरा लाइव टेलीकास्ट किया गया था उसका, और उसके बाद से अब फिर से दोबारा उसको लाइव टेलीकास्ट किए जाने की जो है चर्चा है उसकी लाइव फीड भी जारी कर दी गई। जी बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम दर्शकों तक ये खास तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, आपसे भी हम पूरी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों को मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम है पीएम नरेंद्र मोदी का केदारनाथ और उसके बाद उनके बद्रीनाथ दौरे में, ये पहुंचा दें, करीब 4,400 करोड़ की परियोजनाओं की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को देंगे। और साथ ही जिस तरह से एयरपोर्ट पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया, उससे ही पता चलता है कि उत्तराखंड को कितना बेसब्री के साथ इंतज़ार था पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे का। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि पीएम का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं वो केदारनाथ, और यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम है लगभग